ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने रविवार को रायपुर के प्रदेश कार्यालय में पत्रकार वार्ता ली, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। रायपुर में बीजेपी की आयोजित पत्रकार वार्ता में राष्ट्रीय सचिव मनजिंदर सिंह सिरसा ने कांग्रेस के हाथ सिक्कों के खून से रंगे होने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गुरु ग्रंथ साहिब पर गोली चलवाई, गुरुद्वारा साहिब को टैंकों और तोपों से घेरने का काम किया। उन्होंने सिख समुदाय के लोगों से बीजेपी को जिताने की अपील की। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह ने कांग्रेस पर चुनाव में धर्म की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। जिस तरह से मोदी जी ने सिख कौम के लिए सबका साथ सबका विकास, उसमें जो सिख कम्युनिटी के लिए विशेष तौर पर उनका प्यार स्नेह, ये वो कांग्रेस है जिसमें 1984 के अंदर सिखों के सबसे पवित्र स्थान श्री दरबार साहब के ऊपर हमला किया तोपों और टैंकों से। सिखों का सबसे पवित्र श्री अकाल तख्त साहिब को गिराने का काम किया, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के सीने में गोलियां तक उतारे और हजारों हजारों बेगुनाह लोगों को श्री दरबार साहब में कुचला। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं।